students, today again we are going to solve one more exercise in noun, and few sentences are written on the blackboard. There are 24 sentences and we have to fill the correct form of noun. So words are given to us, we will understand the sentence and then we will fill correct form of noun. So let us begin with first sentence. The dash has taken decision. देखिए ये manage है, manage का मतलब verb होता है. हमें यहाँ पे करना है the management has taken decision. Decision किसने लिया है? Manage ने नहीं लिया, management ने लिया. So management. So management noun हुआ और manage verb. V means verb. A dash has lost his phone. और जॉब, जॉब का मतलब जॉगिंग करना, पार्क में हम लोग जॉगिंग करते हैं ना, जॉग. सो जॉग वर्ब है, हमें इसका नाउन भरना है. सो जॉगर, अ जॉगर हैज लॉस्ट हिज फोन. एक जॉगर ने अपना फोन गुमा दिया है. और जॉगर कौन होता है? पार्क में या किसी भी एरिया में जॉगिंग करने वाला व्यक्ति. आई रीड ओनली डैश एज आई हैव नो टाइम टू रीड न्यूज पेपर डेली. कोई इंसान है वो हमें कह रहा है कि मैं रोज न्यूज पेपर नहीं पढ़ सकता, मैं केवल एडिशन पढ़ता हूँ. तो एडिट होता है किसी चीज को ठीक करना. सो एडिट इज वर्ब, हमें इसका नाम भरना है एडिशन. एडिशन. नेक्स्ट है आपका हिज डैश टू द पोस्ट वाज सरप्राइज. कोई इंसान है और उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो जीत गया और ये बहुत हैरानी की बात थी. सो इलेक्ट वर्ब होता है, इलेक्ट मतलब वर्ब. किसी को हम इलेक्शन में जब वोट देने जाएंगे तो वो इलेक्शन प्रक्रिया होती है और उसको चूज करना वर्ब है, तो हम उसको इलेक्ट कहेंगे. लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट वर्ब का नाम भरना है इलेक्शन. नेक्स्ट हिज डैश एनॉयड द बॉस. एनॉयड का मतलब गुस्सा दिलाना, एनॉय का मतलब गुस्सा दिलाना. और रेफ्यूज मतलब मना करना, तो यहाँ पे रेफ्यूज वर्ब है, हमें इसका नाउन भरना है. उसकी मनाही ने बॉस को गुस्सा दिलाया, एनॉय का मतलब गुस्सा दिलाया. सो रेफ्यूज का हम करेंगे रेफ्यूजल, रेफ्यूजल. सो रेफ्यूज वर्ब है और रेफ्यूज वर्ब का जो नाउन है वो है रेफ्यूजल. ही हैंडेड हिज डेस्क टू द मैनेजर. रिजाइन, रिजाइन होता है जब हम जॉब से इस्तीफा देते हैं उसको हम रिजाइन कहते हैं. इस्तीफा देने को हम रिजाइन कहते हैं और जो इस्तीफा हम वहां पे दे देते हैं उसको रेजिग्नेशन कहते हैं. सो रेजिग्नेशन एक एक्टिविटी है, नाउन है. ही हैंडेड हिज रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन. सो रिजाइन वर्ब, रेजिग्नेशन नाउन. नेक्स्ट है आपका आई वॉज हैप्पी एट डैश ऑफ माई होस्ट. होस्ट कौन होता है? होस्ट होता है जो किसी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जो किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो पार्टी थ्रो कर रहा है, उसको आप होस्ट कहते हो. सो मैं अपने होस्ट के बिहेवियर पे बहुत ज्यादा खुश था. वॉर्म, सो वॉर्म हमारा एडजेक्टिव है. हम कहते हैं द टी इज वॉर्म, द वेदर इज वॉर्म. सो वॉर्म एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव. हमें इसका नाम बनाना है वॉर्म. सो मैं अपने होस्ट के वॉर्म्थ के ऊपर बहुत ज्यादा खुश था. यहाँ पे वॉर्म्थ का मतलब गर्म नहीं है, यहाँ पे वॉर्म्थ का मतलब है अच्छा बिहेवियर, मेहमान नवाजी. यहाँ पे वॉर्म्थ का मतलब ये है. नेक्स्ट हर डैश वाज नोटिस बाय द हेड. एफिशिएंट, एफिशिएंट एडजेक्टिव है, ठीक है ना, कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ये एडजेक्टिव है, हमें इसका नाउन भरना है. सो हर एफिशिएंसी, 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 हर एफिशिएंसी वाज नोटिस बाय द हेड. उसकी जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो कुशलता है, वो हेड ने नोटिस किया. नेक्स्ट है आपका इट इज माय डैश टू सी ऑल अरेंजमेंट. रिस्पॉन्सिबल, फिर ये एडजेक्टिव है. रिस्पॉन्सिबल का मतलब एडजेक्टिव. वर्ब भी होता है बी रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल. लेकिन ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे अरेंजमेंट्स को देखेगा. सो रिस्पॉन्सिबल का नाम बनेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये उसका कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे अरेंजमेंट्स को देखेगा. नेक्स्ट है ही रिकवर्ड डैश कॉन्शियस आफ्टर एन आवर. सो कॉन्शियस, वो कॉन्शियस है, यहाँ पे एडजेक्टिव है और हम इसका नाउन भरेंगे कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस. वो अपने बेहोशी से
टेंस है, सेंटेंस है। यहाँ पे इन सेंटेंस में गलत नाउन का यूज हुआ है, हमें उस नाउन को सही करना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। इट वॉज माई एडवाइस, ये जो एडवाइस होता है जिसमें सी यूज होता है, ये वर्ब होता है। सो अगर हम बात करेंगे नाउन की, सो इट वॉज माई एडवाइस, यह मेरी सलाह थी। अगर हम सलाह की बात करें तो होना चाहिए हमारा एडवाइस, यहाँ पे एस रहा होगा। इट वॉज माई एडवाइस, एडवाइस में अगर एस है तो वो वर्ब बनेगा, एडवाइस में अगर सी है तो वो नाउन बनेगा। ए डी वी आई एस ई ये वर्ब है, ए डी वी आई सी ई ये नाउन है। सो हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भरना है, ये मेरी सलाह थी, वी आई सी। नेक्स्ट है, इट इज एंटायरली योर चूज, चूज नहीं हो सकता, चूज तो बाद में होता, हमें करना है इट इज एंटायरली योर चॉइस। चॉइस का मतलब होता है हमारी जो पसंद होता है, पसंद। तो ये यहाँ पे हम ये पसंद करना और ये पसंद, ये हमारा नाउन है चॉइस। वी सॉ फ्लोट ऑफ शिप, फ्लोट नहीं होता, शिप्स के ग्रुप को फ्लोट नहीं कहते, हम कहते हैं फ्लीट, फ्लीट जहाजों के ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है, फ्लोट नहीं कहा जाता। लेट अस टेक प्राउड इन वर्ब, प्राउड नहीं, प्राउड का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं, हमें अपने कार्य पे गर्व महसूस होना चाहिए, सो प्राउड का नाम होगा प्राइड। लेट अस टेक प्राइड इन अवर वर्क, हम अपने काम पे गर्व महसूस करते हैं, करना चाहिए। द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, प्रूफ नहीं होता, ये वर्ब है, पी आर ओ वी ई प्रूफ वर्ब है, पी आर ओ वी ई प्रूफ वर्ब है, हमें करना है प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ प्रूफ, सबूत, इस प्रूफ का मतलब है सबूत, और ये प्रूफ है वर्ब, किसी चीज को साबित करना, पी आर ओ वी ई प्रूफ मतलब साबित करना, और प्रूफ मतलब सबूत। लिव इज वर्ड यू मेक इट, सो लिव नहीं होगा, लिव इज वर्ड यू मेक इट नहीं, लाइफ इज वर्ड यू मेक इट, लाइफ जिंदगी। सो लिव हमारा वर्ब है और लाइफ हमारा नाम। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी सीट, प्लीज गिव सीट टू लेडी, सीट नहीं हो सकता बेटा, सीट तो वर्ब होता है, सीट हमारा वर्ब है, तो हम लेडी को क्या देंगे, सीट, एस ई ए टी सीट, ये नाउन है, एस आई टी सीट, ये आपका वर्ब है। नेक्स्ट, वाइज कैन नॉट बी टॉट, अब ये कह रहे हैं कि वाइज यहाँ पे एडजेक्टिव है, कि वाइज इंसान को हम चतुराई सिखा नहीं सकते, लेकिन हमें वाइज का यहाँ पे नाउन करना है, तो विजडम, विजडम, विजडम कैन नॉट बी टॉट, चतुराई सिखाई नहीं जाती, चतुराई तो इंसान के अंदर मौजूद होती है, वो हम किसी को सिखा नहीं सकते। लास्ट है, रिलेटिव्स वेयर प्रेजेंट एट रीड ऑफ हिज विल, रीड नहीं होगा, एट रीडिंग, जब उसकी वसीयत पढ़ी जा रही थी तो उसके रिलेटिव्स मौजूद थे। नेक्स्ट देखिए 20th, द फिल्म हैड एन हैप्पी एंड, पिक्चर का एंड जो है वो हैप्पी है, एंड नहीं होगा, एंडिंग, द फिल्म हैड एन हैप्पी एंडिंग, पिक्चर का एंडिंग अच्छा था, एंड नहीं करेंगे, एंडिंग। ही इज लीडिंग लाइफ ऑफ पुअर, ये एडजेक्टिव है, वो गरीब की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, हम कहेंगे ही इज लीडिंग लाइफ ऑफ पॉवर्टी, पुअर का नाउन क्या बनेगा, पॉवर्टी, दिस इज एडजेक्टिव, पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, He is poor, ये adjective है, हमें नाउन भरना है poverty, गरीब गरीबी, गरीब गरीबी। He laugh, हर laugh attracts all, so laugh होता है हंसी, हमें इसका नाउन भरना है laughter, L A U G H T E R, laughter, हर laughter attracts all। Second last, act is life, एक्ट इज लाइफ नहीं, एक्शन इज लाइफ, जो इंसान जिंदगी में कार्यशील है वही जिंदगी जी रहा है, जो कार्य नहीं करता बिल्कुल भी, उसकी जिंदगी में हलचल नहीं है, काम नहीं है, तो उसकी जिंदगी मौत के समान है, सो एक्ट इज लाइफ नहीं, एक्शन इज लाइफ, एक्शन इज लाइफ, सो एक्ट का नाउन होगा एक्शन। लास्ट सेंटेंस, हिज थिंक
सरप्राइज मी, उसके विचार ने मुझे हैरान किया। तो थिंक वर्ब है, हमें करना है थॉट, थॉट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में 24 स्टेटमेंट्स देखे, सेंटेंसेस देखे, और हमने इसमें नाउन की करेक्ट फॉर्म भरा है। सो कहीं पे नाउन पर्संस का था, कहीं पे नाउन एक्टिविटी का था, कहीं पे नाउन अब्स्ट्रैक्ट था, कहीं पे नाउन कलेक्टिव नाउन था। सो आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज है समझ में आई होगी, और आपका मेरा उद्देश्य है कि हम ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का बेस होती है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, सो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।